सो हेलो भाइयों, आज की वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा कि स्टैक हाइड टूल क्या होता है और इसे हम किस तरीके से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, पर उससे पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं नाम है रंगवाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंगवाल को। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले जानते हैं कि स्टैक हाइड टूल होता क्या है। तो देखिए, स्टैक हाइड एक स्टैकनोग्राफिक टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज में कोई भी टेक्स्ट फाइल को बाइंड कर सकते हैं। वो किस तरीके से वो हम जानेंगे आगे, पर अब आप सोच रहे हो कि स्टैकनोग्राफी क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्टैकनोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल को, चाहे वो PDF फाइल हो, चाहे वो वॉइस, मतलब कोई भी फाइल हो, ठीक है, उसको हम किसी और फाइल के साथ बाइंड कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैकनोग्राफी। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टैक हाइट क्या होता है और स्टैकनोग्राफी क्या होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टैक हाइट टूल को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं टर्मक्स के अंदर। तो जिसने अभी तक टर्मक्स को इंस्टॉल नहीं किया अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, वो कर लेना। सिंपल से आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टर्मक्स सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे टर्मक्स ऐप को ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है APT अपडेट, इससे आपका टर्मक्स अपडेट हो जाएगा। तो आपको लिखना है APT अपडेट, इसके बाद आपको एंड करना है और इसके बाद आपको लिखना है APT अपडेट, इससे आपका टर्मक्स अपडेट हो जाएगा और साथ में अपग्रेड भी हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसे करने के बाद आपको, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी मेरी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ। इसके बाद आप जैसे एंटर मारोगे, आपका टर्मक्स अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा। मेरा हो रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, पर आप कर लेना। इसके बाद आपको वो पैकेज इंस्टॉल करना है या टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है स्टैक हाइड। तो टर्मक्स में किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है जिसका नाम है पैकेज इंस्टॉल। इसके बाद आप जोन से भी पैकेज का नाम लिखोगे, वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा टर्मक्स में। तो अभी के लिए मुझे स्टैक हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे स्टैक हाइड लिख देता हूँ। तो मैं लिखा स्टैक हाइड, इसके बाद यहाँ पे लिखता मैं -y, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूँगा तो देखिए ये यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। पर मैंने अपने टर्मक्स से पहले का इस टूल को इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे में नहीं हो रहा है, पर आप जैसे कमांड डालोगे आपके टर्मक्स में स्टैक हाइड टूल इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप चेक कर सकते हो किस तरीके से। आपको सिंपल से यहाँ पर लिखना है स्टैक हाइड। आप जैसे यहाँ पे ये लिखोगे, आपके सामने देखिए यहाँ पे ये टूल आ जाएगा। अगर आपके सामने ये नहीं आता है तो आपको वो वाली कमांड वापस दे देनी, कौन सी, पैकेज इंस्टॉल स्टैक हाइड। तो चलिए आप किसी भी फाइल को बाइंड करते हैं, मतलब एक इमेज फाइल देखते हैं जिसमें हमें कोई मैसेज को बाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक इमेज। तो भाइयों, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं इंटरनेट स्टोरेज के अंदर अपने फ़ोन के। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर आपको दिख रहे हैं, पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बैकअप फोल्डर आपको दिख रहा है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर आपको एक इमेज दिख रही है। तो हम इसी इमेज में बाइंड करेंगे एक मैसेज को, किस तरीके से चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टर्मक्स के अंदर। तो आप अभी भी यह देख लीजिए आप कि कहाँ है इंटरनल स्टोरेज के अंदर, बैकअप फोल्डर के अंदर। तो अब चलते हैं टर्मक्स में। तो भाइयों, अब हम टर्मक्स के अंदर वापस आ चुके हैं। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज में। तो उसके लिए हमें टर्मक्स को परमिशन देनी पड़ेगी फाइल मैनेजर की। वो हम किस तरीके से देंगे, उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी है यहाँ पर टर्मक्स। तो मैं चला देता हूँ यहाँ से टर्मक्स -setup-storage। आपको भी सेम टू सेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे। इसके बाद आपको एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपके सामने एक आ जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको अलाउ कर देना है यहाँ पर। जैसे आप अलाउ करोगे आपके पास फाइल, मतलब इंटरनल स्टोरेज की परमिशन आ जाएगी। इसके बाद आपको कैसे जाना है अपने इंटरनल स्टोरेज में, उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी है CD। इससे हम चेंज करते हैं डायरेक्टरी, मतलब चेंज करते हैं फोल्डर, हम किसी भी फोल्डर वगैरह के अंदर जा सकते हैं इस कमांड की मदद से। आपको पता होगा लिनक्स, अगर आपको नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा टर्मक्स के ऊपर जिसमें हम पूरी कमांड सीखेंगे। तो इसके बाद आपको लिखना है CD/SD कार्ड। अब देखिए टर्मक्स में SD कार्ड का मतलब होता है इंटरनल स्टोरेज। आप ये ना समझे कि मेरे जो फ़ोन है उसमें मेमोरी कार्ड लगा है। टर्मक्स में SD कार्ड का मतलब होता है इंटरनल स्टोरेज। अगर आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना होता है तो आप CD/SD कार्ड करते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे LS लिख के देखते हैं कि कौन कौन से फोल्डर वगैरह हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे हमारे जो भी हमारे वहाँ पे थे, क्या बोलते हैं, इंटरनेट स्टोरेज में फोल्डर, वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। तो अब हमारे कौन से फोल्डर में था वो मैंने आपको बताया था, बैकअप फोल्डर के अंदर है। तो चलिए बैकअप फोल्डर में चलते हैं। तो ये रहा बैकअप, पहले ढूंढ लेते कहाँ है, ये रहा बैकअप। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा CD। इसके बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करते हैं यहाँ पे, मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद एंटर मारूंगा, फिर LS। तो आपको देखिए यहाँ पे ये फाइल दिख रही है।
तो अब देखते हैं किस तरीके से बाइंड करते हैं इस फाइल में कोई भी फाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, तो मैं अभी तो नैनो लिखने के बाद आपको फाइल का नेम लिख देना है जो सी भी आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है। तो अभी के लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ अपने नाम से, मैं लिख देता हूँ आदि लिख देता हूँ मैं, इसके बाद .txt क्योंकि हमें एक txt फाइल बनानी है। इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे एंटर मारूंगा इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, तो अभी के लिए लिखता हूँ सब्सक्राइब। आप जो सा भी मैसेज को बाइंड करना चाहें आप वो लिख सकते हैं इसके अंदर, या बिना फाइल के भी आप उसे बाइंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे फाइल बना सब्सक्राइब, बस सब्सक्राइब ही लिख लेता हूँ और क्या ज़्यादा के लिखना। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, मैं फाइल से बाहर आ चुका हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आया फाइल से कैसे बाहर आना है, तो आपको तो इसके बारे में थोड़ा लिरिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। तो हम चलते हैं फाइल के अंदर। तो देखिए आपको जब भी यहाँ पे कुछ लिख लोगे आप, उसके बाद आपको करना है सेंट्रल मतलब कंट्रोल एक्स, उसके बाद आप बाहर आ जाओगे। अगर नहीं आते तो आपको वहाँ पे वाई करके कर देना है, वाई लिख के एंटर मार देना है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे फाइल को करते हैं बाइंड। पर उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट फाइल दिख रही है, एक हमारी इमेज फाइल दिख रही है। तो चलिए बाइंड करते हैं। इसके लिए आपको एक कमांड लिखनी है स्टैग हाइड, इसके बाद आपको लिखना है स्टैग हाइड, फिर आपको लिखना है -- एम्बेड। अब आपको समझ नहीं आया मैं कहाँ से लिख रहा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे स्टैक हाइट लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे सारे, आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपल से बताऊँगा कि हम किस तरीके से बाइंड करना है हमें, बाकी ऑप्शन आप खुद यूज़ कर सकते हो। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है आप इनका यूज़ कर सकते हो, -- एम्बिट से हम एम्बिट करते हैं किसी भी डाटा को, मतलब बाइंड करते हैं, एक्सट्रैक्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको और दिख रहे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सिंपल से इसे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टैग हाइड, स्टैग हाइड के बाद हम लिखते हैं -- एम्बेड। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद आपको लिखना है फाइल के नेम, मतलब हम लिखते हैं -EF, इसका मतलब होता है एम्बेडेड फाइल, मतलब कौन सी फाइल जोड़नी है। मतलब हमें देखिए txt फाइल को हमें किससे करना है बाइंड, इमेज फाइल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे txt फाइल, तो नाम क्या था आदि .txt। अगर आपको एक कमांड समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक और बार समझाऊंगा बाद में, पर अभी के लिए आप ये लिख लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे -CF मतलब कवर फाइल, जिसके साथ आपको बाइंड करनी है। EF मतलब जिसको आपको बाइंड करनी है, जिस मतलब देखिए मान लीजिए इमेज फाइल में आपको बाइंड करनी है टेक्स्ट फाइल। तो देखिए टेक्स्ट फाइल होगी हमारी एम्बेडेड फाइल, कवर फाइल होगी हमारी इमेज फाइल जिसमें हमें बाइंड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल का नेम लिख देना है जो सी भी आपको बाइंड करनी है। तो फाइल का नेम क्या था, तो फाइल का नेम हमें पहले देखना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बड़ी फाइल का नाम रखा हुआ मैंने, इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अरे कुछ ज़्यादा, हाँ बस इसे करते हैं कॉपी, हो जा ठीक है वहाँ। तो चलिए जल्दी कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे कॉपी हो ही गया आखिरकार। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो हटाओ इसे, पेस्ट किया मैंने। पेस्ट करने के बाद मैं आपको लिखना क्या, -SF मतलब देखिए अगर आपने एक फाइल को टेक्स्ट को इमेज बाइंड कर दिया है तो उसके बाद हमें एक मतलब नवी फाइल बनेगी जिसमें वो बाइंड हो रखा होगा, तो उस नवी फाइल का नाम क्या रखना है आपको। तो जैसे मैं रख लेता हूँ आदि .jpg। इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो देखिए हो जाएगा, तो एंटर मारा। इसके बाद पूछ रहे हैं कि पासवर्ड क्या रखना है आपको, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ आदि, रख लेता हूँ आदि रखा 1 2 3 4, एंटर मारूंगा फिर वापस आदि 1 2 3 4, फिर एंटर। तो देखिए यहाँ पे नवी फाइल बन चुकी है आदि .jpg। मैं आपको दिखा देता हूँ ls करके, ls किया मैंने, आपको दिख रही है जी ये आपको फाइल दिख रही है मतलब इमेज फाइल। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट स्टोरेज में जाके कि फाइल बनी है या नहीं बनी, वैसे बन गई है भाई की बात, विश्वास नहीं आपको। तो भाइयों देखिए आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि आदि .jpg नाम से फाइल बन चुकी है, और मैंने आपको कहा था कि बनी होगी, तो मैं इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ, कहाँ से इसे कर लेता हूँ ओपन, किसी से भी कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये बिल्कुल इमेज यहाँ पे दिख रही है जैसी थी वैसी ही, सेम टू सेम इमेज, इमेज में कुछ फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क किस बात का है, फ़र्क है इसकी साइज़ का, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाली फाइल का साइज़ कितनी है 269 KB, और जो हमारी नवी बनी है वो है 302 KB। तो KB में मतलब साइज़ में फ़र्क क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए ये जो हमारी फाइल है txt वो इसमें एम्बेड हो चुकी है। तो अभी मैं इन दोनों फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया दोनों फाइल को। अब ये फाइल आप किसी को भी भेज सकते हैं जिसको आप भेजना चाहें, और उसके बाद वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब हम किस तरीके से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा को, तो चलिए अब ये देख लेते हैं। तो चलते हैं वापस टर्मक्स के अंदर। तो हम वापस टर्मक्स के अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको LSL दिखाऊंगा, तो देखिए खाली यहाँ पे आपको यही फाइल दिखेगी। तो चलिए अब इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है स्टैक हाइड, उसके बाद आपको लिखना है हाइफन हाइफन एक्सट्रैक्ट। स्पेलिंग गलत ना लिखना, अगर स्पेलिंग गलत लिखोगे तो बस फिर नहीं चलता ये। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है हाइफन SF, जो उनकी फाइल है मतलब जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसका नाम है adi.jpg। स्पेलिंग गलत होगी, jpg। इसके बाद मैं एंटर मारूंगा तो ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो क्या लिखना है, जो उनसे हमने पासवर्ड रखा था, तो लिखता हूँ adi1234 एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ चुकी है फाइल, txt फाइल आ चुकी है जो कि आपको दिख रही है। अब चलिए देखते हैं इस फाइल के अंदर है क्या। तो मैं यहाँ पे कैट करता हूँ .txt, इसके बाद यहाँ पे एंटर मारूंगा, तो देखिए सब्सक्राइब आ चुका है, जो उनसे मैसेज हमने इसमें लिखा था वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो इसकी मदद से आप टाइम पास कर सकते हो, मतलब किसी भी अगर आपको दोस्त को भेजना कोई मैसेज जो आप चाहते हो कि बीच में कोई ना पढ़ सके, तो उसको आप ऐसे एम्बेड करके दे सकते हो, मतलब बाइंड करके दे सकते हो, और उसे पासवर्ड बता दे रहा है कि कौन सा पासवर्ड है, तभी खुलेगा, नहीं तो वो भी नहीं खोल पाएगा, वो भी सोचेगा खाली इमेज भेज दी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।